देखिए करेला बने हैं, बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं इनको तोड़ के, और इनके ऊपर हमने चटनी डाल दी, चटनी डाल रहे हैं। तो देख लेते हैं आज की जो करेला चटनी रेसिपी है वो कैसी बनी हुई है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में और देखिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बना रहे हैं हम करेला। तो सॉरी, मुझसे एक गलती हो गई कि मैं जब आटा गूंद रही थी तो मैं नहीं बता पाई आप लोगों को। ये देखिए मैंने मैदा को गूंदा है, और हमारी 500 ग्राम मैदा थी और हमने 100 ग्राम इसमें रिफाइंड का मौन लगाया और कलौंजी थोड़ी सी डाली और बस आटा गूंद लिया। ये देखिए ये हम बेलते जा रहे हैं। तो हमारी जो ये रेसिपी है जरूर देखें और बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्री टाइम बैठे हो तो लगता है कुछ ना कुछ खाने को हो तो मज़ा आ जाए। तो जैसे कि हमने सोचा कि चलो करेले बना लिए जाएं, तो आप देख सकते हैं कितने प्यार से करेले बनाए जा रहे हैं माशाल्लाह। मेरी जो बेटी है उसको बहुत पसंद है और उसी की फरमाइश पे करेले बनाए जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम बेल के इनको रख लेंगे, फिर बाद में इनको तेल में निकाल लेंगे। इसके बाद बेहतरीन मीठी खट्टी मीठी चटनी बनाई जाएगी जो करेलों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में और मिलते हैं फिर करेला बनाते हुए यानी तलते हुए मिलते हैं अपन लोग। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट तो जरूर करिए, कंजूसी मत करिए प्लीज गाइस। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मेरा साथ दो, आप सबका प्यार है जो मुझे इतने दूर तक लाया है। बस कुछ ही घंटों की देरी है, मैंने सारे जीने पार कर लिए हैं, एक जीना बचा है। प्लीज आप लोगों की मदद से वो भी आ जाएगा ऊपर। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बने रहिए हमारी। तो ये देखिए करेला है जो वो हमने कढ़ाई में डाल दिए हैं और वो अच्छे से सेक रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने प्यार से सेक रहे हैं और इनको अच्छा कुरकुरा सेकना है। तो ये देखिए कितने अच्छे से करेला सेक गए हैं और सारे करेला इसी तरह सेक ले। तो ये देखिए करेला बन के बिल्कुल तैयार है और साथ में चटनी भी बन गई है, सामने चटनी भी रखी हुई है। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत टेस्टी बने हैं। आप लोग जरूर ट्राई करें हमारी ये रेसिपी और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।